गाइस वेलकम बैक। जवान है ना 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 जवान तू ना 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 बॉस। जवान इज क्रिएटिंग रिपल्स ऑन अ सैटरडे। संडे तो हो चुका है भाई, अब क्या आज के दिन अपने फिफ्थ संडे पर जवान की क्या कलेक्शन आती हुई लग रही है, किस तरीके की ऑक्यूपेंसीज हैं। आज तो मजा आ गया है, जिस्ट मैं बता दूं आपको आज मजा आ जाएगा आपको कलेक्शन सुनने के बाद। और ऑक्यूपेंसीज एंड स्क्रीन काउंट्स के बारे में, शो काउंट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। वीडियो कंटेंट जरूर देख लो, चैनल को फटाफट करो सब्सक्राइब। बात करेंगे सबसे पहले क्या मतलब शानदार लुक। विक्रम राठौर इज लाइक लिट। उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना, एटलीस्ट हमेशा याद रखे जाएंगे इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। नॉट जस्ट विक्रम राठौड़ बल्कि द डायलॉग्स, द एक्शन, द एंटायर फिल्म। मैं अभी भी जब भी मैं जवान के बारे में उसकी ग्लिम्सेस वगैरह जब देखती हूँ, और मैंने आज की भी कई सारी ऐसे वीडियोज देखी हैं जो वायरल हुई हैं अबाउट टूडेज मेनिया, शाहरुख खान मेनिया ऑफ जवान। पीपल आर स्टिल डांसिंग हूटिंग ऑन SRK एंट्री, वो वाली, वो जो मतलब जहाँ से हमने एकदम सीन वन में हम उनको देखते हैं जिसमें वो पानी में तैर रहे हैं। ओफ माई गुडनेस, आपको याद है हमने ये पर्टिकुलर सीन प्रीव्यू में भी देखा था। उस वक्त पे हमको नहीं पता था कि ये ही एंट्री सीन है, यही पहला सीन है फिल्म का। और आपको याद है डॉन 2 की भी कुछ कुछ एंट्री सीन जो है वो ऐसे ही वाटर्स में हुई थी, इसी तरीके से वो अपने जेट में जा रहे हैं एंड पीछे से एंट्री हुई थी। खैर, बट दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन जवान का तो फ्लेवर ही डिफरेंट है। और मैंने ना एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी प्रीव्यू में, मैंने जब देखा था मैंने कहा ये मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न लोग कहाँ से दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक जो लेडी है जिसके जब वो बाल खींच कर लेकर जा रहे होते हैं शुरू में, तो मैं आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैंने कहा यार इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। अब ये तो उस वक्त तो ये नहीं पता था कि ये नॉर्थ ईस्टर्न कहानी क्या है, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और उस वक्त पर अभी भी जब मैं वो सीन, अभी मैंने एक वायरल वीडियो देखा है ना इसलिए मेरे दिमाग में फ्रेश है, तो जैसे ही मैं वो सीन देखती हूँ मुझे लगा एक सेकंड को, मैंने कहा यार इस फिल्म में कितने सारे एंगल्स हैं, कितने सारे अलग अलग तरह के लुक्स हैं। लुक्स तो हमको पता ही है, लेकिन स्टोरी लाइन किस तरीके से स्टिच्ड है, इट इज़ सो ब्यूटिफुली स्टिच्ड टुगेदर दैट आज की डेट में भी अभी भी अगर हम जवान को देख लेते हैं 5-6 बार देखने के बाद भी वो फ्रेश लगेगी, उसके बाद भी फ्रेश लग रही है। और मैंने कितने सारे ऐसे फैंस देखे हैं जो अभी भी गए भाई फैमिली के साथ एंजॉय करने जवान को, तो यार दिस इज ओवरवेलमिंग टू सी हाउ शाहरुख खान हैज़ बिकम इन दिस ईयर। ही इज द बिगेस्ट स्टार, किंग खान, लिटरली किंग खान। तो चलो किंग खान की बहुत तारीफ हो गई, अब पहले बात कर लेते हैं हम लोग इस वक्त पर क्या कुछ कलेक्शन आती हुई लग रही है। जवान अपने 32वें दिन पर है, आज 32nd डे है, और एक महीना पूरा सक्सेसफुली क्या सुपर डुपर सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अभी आज क्या कुछ लग रहा है। देखो पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेंसीज की एज यूजुअल। तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी ऑफ जवान ऑन डे नंबर 32 इज अ वंडरफुल 15%। अभी पता है इस मोमेंट को जी लो, खुश हो लो। पता है क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमको सबको पता है यार कल है मंडे, गंदा वाला मंडे जिसको हम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, मगर यू नो वी हैव टू कीप अप द स्पिरिट्स एंड वी हैव टू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि ये तो बिल्कुल नॉर्मल इनएविटेबल होता है जिसमें एक ड्रॉप देखती हैं फिल्में। और ये 15% मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ये शाम तक भी नहीं आती है 15%। तो खुश हो लो, जी लो जितना जीना है अभी इस वक्त, ठीक है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 15%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 30%। येस गाइस, सीधा डबल। अभी इवनिंग नहीं आई है, मैंने या तो चेक नहीं किया होगा, अभी 7 भी नहीं बजे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ भैया। इवनिंग ऑक्यूपेंसी पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लेकर चल रही हूँ इवनिंग और नाइट पे, क्योंकि भाई संडे है और कल वो गंदा वाला मंडे है। तो मेरे ख्याल से आज इवनिंग ऑक्यूपेंसी को मैं रखने वाली हूँ 37% के आसपास। अब 32वां दिन है यार, कोई पहला दूसरा दिन तो है नहीं जो इवनिंग ऑक्यूपेंसी जो है सीधा 60% 70% 80% की चल रही थी जवान की। ज़रा लो की होकर बोलना पड़ेगा। हाँ, हमारे को सरप्राइज़ कर देगी ये फिल्म तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा कम लेके चलने वाली हूँ। तो आज मैं आपसे इवनिंग ऑक्यूपेंसी रखने वाली हूँ 37%, और नाइट ऑक्यूपेंसी भी मैं ब्रैकेट में रखूँगी 27% के आसपास, नॉट मोर देन दैट, रीज़न यू नो, बट आई थिंक इतना ही काफ़ी रहने वाला है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सबसे बढ़िया बात है आज की कलेक्शन का एस्टिमेट। यस, तो आज सुबह जो मैंने आपसे बात करी थी वो थी 2.9 करोड़ की, और इस वक्त जो एस्टिमेट आ रहा है दैट इज कमिंग इन एज 3 करोड़। मैंने 3 करोड़ राउंड ऑफ बोला था मॉर्निंग में, और वही 3 करोड़ आ रहा है। मुंह से बोली बातें सच हो जाती हैं, मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ये जिंदगी में गांठ बांध के चलो। तो अगर ये 3 करोड़ आ जाता है, जो कि आ गया है आज के दिन, तो टोटल कलेक्शन इंडिया नेट कलेक्शन 624.16 करोड़ हो जाती है। इसी के साथ शो काउंट्स की एक बार बात कर लेते हैं। शो काउंट्स कम हुए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब इससे ज़्यादा स्लैश डाउन नहीं होने वाले। अब अगले हफ्ते कोई बड़ी रिलीज नहीं है,
जो आएगी वो आएगी दशहरे के टाइम पर, जब हम लोग बात कर रहे होंगे लियो की, हम लोग बात करेंगे गणपत की, हम लोग बात करेंगे टाइगर नागेश्वर राव की, मे बी समथिंग एल्स एज वेल, बट उससे पहले कुछ और बड़ी रिलीजेस नहीं है। तो अब जवान के लिए अपनी स्क्रीन काउंट्स को सस्टेन करना, शो काउंट्स को सस्टेन करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। आज के दिन शो काउंट्स जो हैं जवान के इस प्रकार हैं, मुंबई 240 शोज, दिल्ली NCR 267 शोज सबसे ज़्यादा दिल्ली NCR में, पुणे 105, बैंगलोर 109, हैदराबाद 64, कोलकाता 139, अहमदाबाद 160, चेन्नई 10, सूरत 84, जयपुर 55, चंडीगढ़ 28, भोपाल 27 एंड लखनऊ 71। अभी भी अच्छे खासे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कम ज़्यादा हो गए या ज़्यादा टेंशन वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी शो काउंट्स में कमतरी नहीं आई है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है बस इसी को सस्टेन करके चलें, आगे के इस हफ्ते में हमें कुछ चीज़ें ब्रूटली डिफ़िकल्ट देखने को मिल सकती हैं, उनके बारे में भी अभी बात करते हैं। वो क्या है? सबसे पहले एक शार्प डिप। अब हमको जवान की जर्नी को इस तरीके से देखना होगा कि जितना ज़्यादा खींच सकती है उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा लंबा इसका रन टाइम रहने वाला है। सो अब कल से, स्टार्टिंग टुमारो, there will be a sharp dip, there might be some disappointments when it comes to the collection prediction, जो कि disappointment, जिसको मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ इस वीडियो में कि उसको disappointing way में लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जवान ने बहुत बहुत शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है, और वो भी केवल 28 दिनों में, केवल 30 दिनों में, 31 दिनों में, जो कुछ भी अभी तक आ चुका है। सो दैट इज़ समथिंग कमेंडेबल, अनबिलीवेबल वाली चीज़ें हैं जो जवान ने करके दिखाई हैं। तो मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, बल्कि मैं आपसे भी ये बोलूँगी कि अगर हमको कल के दिन जवान की ऑक्यूपेंसीज बहुत कमतर दिखती हैं, बहुत कम इसका कलेक्शन दिखता है, टेक इट इन योर स्ट्राइड, वी आर गोइंग टू टेक इट इन आर स्ट्राइड, बिकॉज जवान इज फाइटिंग, और जवान का तो काम ही यही होता है कि लड़ते रहना। सो आई वुड से दैट अभी 3 करोड़ है, जो कि वीकेंड है, वीकेंड पे अगर 3 करोड़ आता है, कल का एस्टिमेशन में अगर आपसे अभी लगा दूं, तो ये बिलो 1 करोड़ जाने वाला है, आराम से बिलो 1 करोड़ जाएगा, और कहीं ना कहीं जो ऑक्यूपेंसीज हैं उन पर भी बहुत ज़बरदस्त गाज गिरेगी। मंडे है, मंडे को मैं मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा होगा कि बट रेस्ट बी अशोर्ड कि हमारी रिपोर्ट्स चलती रहनी चाहिए, रिपोर्ट्स हमारी चलती रहेंगी, क्योंकि हम लोग सारी की सारी इसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने वाले हैं, और उसके बाद बारी आ जाएगी लाइफ टाइम की। हाँ, मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि अभी दशहरे पर जो 2-3 फिल्में आएंगी, इस टाइम पर जवान की स्क्रीन्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसे मैंने कहा, लियो एक बड़ी रिलीज़ है, आई थिंक उसकी खबरें आ रही हैं कि वो हिंदी में लिमिटेड स्क्रीन्स पर आएगी, नेशनल चेन्स में रिलीज़ नहीं होगी, तो अच्छा है नहीं होगी तो, क्योंकि फिर जवान के पास स्क्रीन्स रहेंगी काफ़ी सारी। उसके अलावा गणपत हो गई, टाइगर नागेश्वर राव हो गई, सो ये जो फिल्में हैं इनकी ज़्यादा स्क्रीन्स जो हैं, बहुत ऑलरेडी काफ़ी सारी स्क्रीन्स आज इस वक्त जो फिल्में चल रही हैं उनके पास हैं, वही स्क्रीन्स आगे डाइवर्ट हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता जवान की स्क्रीन्स को तब उस वक्त पर इन फिल्मों से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ लियो, अगर लियो के मेकर्स प्लान करते हैं या ऑन पब्लिक डिमांड ऐसा होता है, तब जवान की स्क्रीन्स को थोड़ा सा खतरा है। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ, SR के फैंस आर दिल खोल के सपोर्टिंग लियो, यस, वो दिल खोल के लियो को सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ लियो को बल्कि लोकेश कनगराज तमिल सिनेमा को पूरे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं आफ्टर द सक्सेस ऑफ जवान। सो दिस इज़ अ वंडरफुल स्पिरिट। तो फ़ायदा देखो दोनों तरफ से जो फैंस हैं उन्हीं का है, और उसके बाद ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं है, फिर तो टाइगर आ जाएगी, टाइगर में SR के हैं, और उसके बाद डंकी, यस। सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दैट, बट दिस इज इंटरेस्टिंग नाउ। अब थोड़ा खेल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखते हैं कल के दिन क्या कुछ होता है, आज के दिन का आपको क्या लग रहा है कलेक्शन सुनने के बाद, और जो भी आपका रिएक्शन है मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोर फंक्शन।